अगर कोई भी मुझसे शादी करे, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि मुझे दूसरे दिन वापस भेज के जाएगा घर। ₹5 की पेप्सी और मेरे नील हर्ट्स सेक्सी। चैनल सो मुझे देख के आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। नहीं, आपने तो थंबनेल में एंड टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है, मैं भूल गई थी। सो यहाँ आज हम करने वाले हैं ब्लैक फूड चैलेंज, जो कि आप लोगों ने पिंक फूड वाली वीडियो में इतने सारे क्यूट क्यूट कमेंट्स किए, इतने सारे मैसेजेस किए, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। सो या आप मुझे रिक्वेस्ट करो एंड वो मैं ना पूरी करूँ, ये कभी हो ही नहीं सकता। सो या आज हम करने वाले हैं ब्लैक फूड चैलेंज, एंड अगर आप कोलकाता से हो देन आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगने वाला है। अगर आप कोलकाता से नहीं हो देन मैं आपको कुछ ऐसी प्लेसेस दिखाऊंगी जो कोलकाता के हेरिटेज प्लेसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं कोलकाता में, जो आपको ज़रूर देखने आना चाहिए। सो या बहुत मज़े कराएंगे वीडियो में एक्चुअली। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। बट मुझे सच्ची में पता नहीं यार, मुझे ब्लैक ज़्यादा कुछ मिलेगा या फिर मैं भूखी मर जाऊँगी या क्या होगा, आई रियली डोंट नो। तो सबसे पहले हमने लिए हैं कुछ ब्लूबेरीज जो कि बिल्कुल ब्लैक हैं दिखने में, एंड देन मैंने लिया है ब्लैक किशमिश और ब्लैक रेजिन्स, ये भी बिल्कुल ही ब्लैक कलर के हैं। एंड देन मैंने लिया है थोड़ा सा चौकोस जो कि मैं लास्ट मोमेंट में नहीं खाऊंगी, बताती हूँ क्यों। तो अभी मैं चॉकलेट सिरप को चौकोस के ऊपर अच्छे से ड्रिजल करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। तो जब मैंने अच्छे से चॉकलेट सॉस डाला तब ये ना ब्लैक हो गया था, बट बाद में ये ब्लैक रहा नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाया। बट डोंट वरी, वेस्ट नहीं किया, सिस्टर को खिला दिया। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड अभी मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि आपने देखा यमी यमी ब्लैक ब्लैक ब्रेकफास्ट, एंड इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कितना यमी है। तो सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ एक ब्लूबेरी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ब्लूबेरीज नहीं खाए, एंड ये भी ड्राइड ब्लूबेरीज हैं। सो खट्टे मीठे से हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, एंड थोड़ा सा चॉकलेट में डिप करके अगर खाए तो कैसा लगता है देखते हैं। ओके लेट्स सी, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं चॉकलेट में डिप कर रही हूँ। डिलीशियस, एंड जो ब्लैक रेजिन होते हैं आई थिंक कि ये नॉर्मल वाले रेजिन की तरह ही होंगे, किशमिश की तरह। तो लेट्स सी कि कैसा है। पर्सनली मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको चॉकलेट्स पसंद है देन ये आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाला है। भाई गॉड यार, ब्रेकफास्ट करके सच में मजा आ गया मुझे। सो शायद आप सोच रहे हो कि ये ब्लैक कॉफी है या फिर ब्लैक टी है। सबसे पहले बता दूं, मुझे ब्लैक कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ब्लैक टी भी उतना खास पसंद नहीं। मुझे मिल्क टी पसंद है, मिल्क वाली चीज़ें ही पसंद है चाय कॉफ़ी में। तो ये क्या है, ये है कोक। और अगर मुझे पसंद आता भी तो कोक रहते हुए कौन यार ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पिएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अभी ये पीने वाली हूँ, क्योंकि ये खाली पेट में तो पी नहीं सकते हो बिल्कुल मत, ये गलती मत करना कि खाली पेट कोक पी लिया, बिल्कुल मत करना। वैसे खाली पेट में चॉकलेट खाना भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं होती, बट मैं कौन सा हेल्दी खाती हूँ, ठीक है। अरे कोक पीते पीते मुझे याद आया कि हम यार कोक से आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो आई ट्राई कि मैं कोक से आइसक्रीम बनाऊं, आई थिंक अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि वो जो पेप्सी वाले पेप्सी मिलते हैं ना ऐसे वाले, वो अच्छे होते हैं ना, वो मतलब पॉप्सिकल टाइप के ही होते हैं,
एंड आपको तो पता ही है मैं क्या बोलती हूँ, 5 रुपए की पेप्सी और मेरे नील हर्ट्स सेक्सी। शूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि किस चीज का शूट, देन हमारा, मेरा नहीं, हमारा 4-4 YouTube चैनल्स हैं। नंबर 1 है फंकी टीवी, नंबर 2 है नीलांजना धर, नंबर 3 है नील एंड सीटू व्लॉग्स, नंबर 4 है द बॉन्ग फ्रेंड्स। सो ये 4-4 चैनल के लिए शूट करना पड़ता है, इसलिए हर रोज मुझे बाहर जाना पड़ता है। एंड मैं आपको लेके जाने वाली हूँ गोलबारी, जहाँ का कोशा मांगशो, जो कि एक बंगाली फूड है, बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फेमस। एंड वो बहुत साल पुराना शॉप है, एंड वहाँ का मटन कोशा बिल्कुल ब्लैक कलर में होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। सो बहुत यम्मी भी होगा, टेस्टी भी होगा। हम जाएंगे अभी वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। मेरे साथ है ये गुल अंकुर, जो कि देख रहे हैं ब्लैक पहन के आए हैं, एंड कोइंसिडेंटली हो गया है। एंड अभी हम लोग खाने वाले हैं ब्लैक फूड, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, बाद में बताती हूँ। सो गाइस, देख सकते हो आप, ये है गोलबाड़ी का फेमस मटन कशा, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही होता है। And yeah, it's yummy and delicious. अगर आपको तीखा पसंद है, then go for it. So guys, unfortunately, मतलब पराठा भी दे दिया है उन्होंने, और मैं पराठा नहीं खा सकती, सिर्फ मैं ये खाऊंगी। I think बहुत मजा आएगा। ओके गाइस, सो अभी हम जाने वाले हैं वाओ मोमो में चॉकलेट मोमो खाने के लिए। एंड ये ऑलरेडी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट मोमो। क्योंकि शाम हो चुका है एंड फिर से भूख लग गई है। सो गाइस, आ गया है हमारा चॉकलेट मोमो। एंड आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, बट इसके ऊपर ना ऐसे चॉकलेट लगे हुए हैं, जिसको मैं हटा दूंगी एक मिनट, क्योंकि वो ब्लैक नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक नहीं है। हो गया एंड मैंने पूरा नहीं खाया, क्योंकि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था, और ये दोनों, ये भी मुझे खाने नहीं दिया। सो गाइज, मैं अभिजीत के घर में आई हूँ एंड उसने मुझे थम्स अप ला के दिया, सो मैं भी थम्स अप पीने वाली हूँ। So guys, अभी है फाइनल रिजल्ट की बारी।
सो आई होप कि बन गया होगा ठीक है, क्योंकि मेरे अभी ना ऐसे खुराफाती आइडिया वाले स्किल्स पे मुझे भी विश्वास हो गया है पिंक फूड चैलेंज के बाद से। तो इट्स नॉट लाइक जेट ब्लैक, ये जेट ब्लैक तो नहीं है। सो गाइज इसको मैंने बनाया है कोक से, बट बनने के बाद कुछ इस तरीके का बना। सो आई गेस कि टेक्निकली इट्स ब्लैक। सो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आपने चीटिंग कर दिया, ये ब्लैक नहीं है। गाइज इसको ब्लैक ही होना चाहिए था क्योंकि मैंने इसको कोक से बनाया एंड ये ब्लैक नहीं बना। बट फिर भी यार मैंने ऐसा टाइप का कुछ पहली बार बनाया है एंड अगर आप मेरे जगह पे रहते तो शायद आप भी रेजिस्ट नहीं कर पाते इसको देखने के बाद। कर पाते क्या? नहीं ना, तो ज़रूर आज ही बनाना क्योंकि रिव्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा बना है। ड्राई चना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है आयरन का कढ़ाई, मतलब ये स्टेनलेस स्टील का नहीं है, ये आयरन का है एंड इससे कुछ भी चीज़ काला बन जाता है। एंड इसमें मैंने डाला है थोड़ा बहुत चीनी शक्कर एंड उसको कैरमलाइज किया है ताकि थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाए। एंड देन जैसे नॉर्मल चना मसाला बनाते हैं वैसे ही मैंने ड्राई चना बनाया एंड देख सकते हो कितना ब्लैक है। एंड एक बात बोल देती हूँ, मैं नमक डालना भूल गई थी इसलिए आप देख सकते हो वाइट वाइट जो ऊपर से है वो नमक है। हाँ, नमक। ओके, सो गाइस अभी हम करने वाले हैं डिनर एंड जैसे कि आपने देखा मैंने डिनर में छोले बनाए हैं। मैंने वन सेकेंड ब्लैक है। ओके, फोकस हो गया, वैसे ही मैंने गिरा दिया थोड़ा सा। ओके, वैसे मैं तो नमक डालना भूल गई थी एंड अभी मैंने टेस्ट किया तो मुझे अभी लग रहा है कि तीखा थोड़ा ज्यादा डाल दिया मैंने, मतलब मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कब शादी करोगी। वैसे मुझे शादी करने का बड़ा शौक है, ठीक है, बट बात क्या है ना, अगर कोई भी मुझसे शादी करे मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि मुझे दूसरे दिन वापस भेज के जाएगा घर। खपन दूर करने के लिए मैं पहले तो कोक पीऊंगी। तो अभी मैं ये वाली लॉजेंस मतलब कि टॉफी खाने वाली हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज अप। एंड अगर आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हो देन आई एम श्योर कि आपने ये वाली टॉफी तो देखे ही होंगे। काफी अच्छा है। एंड ये देखो पिंपल्स हो रहे हैं मुझे। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक फ्री का ज्ञान बांटना चाहूँगी, वो है कि स्किन में और बॉयफ्रेंड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, पता है क्या? दोनों ही किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर लास्ट तक वीडियो देख लिया तो अभी आपके लिए एक बोनस है। सो मैं आपको लिपस्टिक का एंड ईयरिंग का डिटेल बता दूंगी क्योंकि लास्ट पिंक फूड वाली वीडियो में आप लोगों ने इतना मैसेज किया कि कौन सा लिपस्टिक है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा पिंक लिपस्टिक बोल के। एंड ये जो रेड लिपस्टिक है इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। साथ ही साथ ये जो ईयरिंग है ये मैंने लिया है स्टाइल स्टोर इंडिया से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक कर लेना। एंड हाँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।